नापी, आपको कैसा लग रहा है आज इतने सारे जूते और अपने हाई हील्स बेचते हुए? आपको भी हाई हील्स दिखा रहा होगा। दिखाओ। क्या आप लोग रेडी हो देखने के लिए? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली आप लोगों के लिए। दिल खोल के, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी हील्स एंड शूज कलेक्शन। सो थोड़ा सा पहले एक झलक दिखा दो। और जो सब्सक्राइब करेगा उसको आप फ्री में अपने जूते बांटेंगे ना? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो दिखा दिया जाए? हाँ दिखा दो। ठीक है, 1 2 3 गो। तो इधर से आप लोग देख लो, लाइक अभी तो मैं क्लोजअप दे दी थी आप लोगों को, बट फिर से आप लोग देख लो झटपट से। और गाइज, इन सभी जूतों के साथ, इन सभी हील्स के साथ ना मेरी कुछ मेमोरीज भी हैं, तो वो सब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये जिस तरीके से अभी मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ ना, ऐसा लग रहा होगा कि मैं ही ये सब बेचने वाली हूँ। तो आओ भाई, ले लो ले लो ले लो, हील्स ले लो, जूते ले लो, जो लेना है वो ले लो, मगर मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये सब मेरे, मैं बहुत प्यार से इन सभी को परचेज की हूँ और इन सभी के साथ मेरी कुछ कुछ मेमोरीज हैं। सो मैं अपना मेमोरीज आप लोग साथ जरूर से शेयर करूंगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आओ तो पता है आप लोगों को क्या करना, बताओ उसमें इन लोगों को क्या करना? लाइक शेयर सब्सक्राइब टू याश मनापी के चैनल को कर दीजिएगा, जरूरी है। और कमेंट हाँ, कमेंट भी जरूर करिएगा। कमेंट में बड़ा कंजूसी करते हैं यार ये लोग। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस अतरंगी सतरंगी नतरंगी हाई हील्स के साथ। सो लेट्स गो। हाई हील्स, पूछे डेली वेयर में आप कौन सा चप्पल पहनती हैं? डेली वेयर में? हाँ बताइए। तो डेली वेयर में मैं बेसिकली अपने दो चप्पलों को इस्तेमाल करती हूँ, उसका कंडीशन ही देखकर के आप लोग को लग जाएगा कि हाँ याश्विन बिल्कुल शत प्रतिशत सच बोल रही है। तो सबसे पहला जो मेरा है, मैं स्लीपर ज्यादा पसंद करती हूँ डेली बेसिस पे यूज करना। ऑफ कोर्स। तो ये वाला है और इसका कंडीशन आप लोग देख लो। दिखा दो उसमें थोड़ा सा इसको क्लोजअप में, ये देखो इसकी कंडीशन कैसी हो रखी है। तो इसको मैं रगड़ करके पिछले 4-5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कि डेली। ये इतना कम्फर्टेबल है, मतलब पैर में घुसते के साथ ना इतना अच्छा फील होता है, लगता ही नहीं कि यार मैंने पैर में कुछ पहन रखा है, और मतलब कुछ नहीं फील देता है मुझे। तो मुझे ये एक पसंद है। इसके साथ मैं एक और यूज़ करती हूँ अपने डेली वेयर में, जो कि थोड़ा सा वर्क वाला है, थोड़ा सा सीक्वन वाला है, तो वो मेरा ना ये वाला है। तो ये देख सकते हो आप लोग। और इसमें क्या है ना कि ये अंदर वाला थोड़ा सा इरिटेट करता है पैर में, तो इसको मैं उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब कभी आसपास में अगल बगल में जाना रहा तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन का तो मैं भाई साहब जवाब दे दी हूँ। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप मतलब सबसे पहली आपकी हाई हील्स दिखाइए, जिससे आपकी शुरुआत हुई इस चीज की। मेरी सबसे पहली हाई हील्स वो रहा जो आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला। दिस वन। ओके, लग रहा है। और ये मेरा मतलब देखो, ये पहनने के हालत में नहीं है, मगर फिर भी मैं इसको रखी हुई हूँ क्योंकि इसके साथ ना मेरा मेमोरी है। और ये ना मेरा हाई हील्स में सबसे पहला हाई हील्स है। जिस टाइम पे मुझे हाई हील्स का कुछ समझ नहीं था, कुछ अता पता नहीं था, तब भी देखो यार मैं कितनी प्यारे हाई हील्स को परचेज की थी। ये पीछे में जिप लॉक है, आप इसको ईजिली बंद कर लो। आज भी इसका जिप लॉक अच्छा है, बस थोड़ा सा ना यहाँ से ये दम तोड़ दिया है। और इसको भी मैं काफ़ी, ये देखो यहाँ से इसने दम तोड़ दिया है, और इसको भी मैं काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल की थी उस टाइम पे। तो इसलिए मैं इसको रखी हुई हूँ ना, क्योंकि मतलब ये मेरा पहला था यार, तो पहले एक साथ ऑब्वियस ही बात है कि और ये वीडियो आप लोग साथ शेयर कर दे रही हूँ, तो भाई ये तो मेरे आगे वाले बच्चे भी देखें कि ओ मेरी मम्मी के ये पहले सबसे पहले वाला हाई हील्स था। वीडियो में ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो यार ये मेरा सबसे पहला वाला था, और उस टाइम पे भी मतलब मेरे ख्याल से ये मेरा 7-8 साल पुराना हील्स है। 7-8 साल पुराना, हमको भी नहीं पता था हील्स। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पहनने वाला हील्स कौन सा है? सबसे ज्यादा शादी में आप सबसे ज्यादा कौन सा पहन के जाती हो? शादी में मैं ज्यादातर एक हील्स को भी मैं सबसे ज्यादा शादी में पहन करके गई हूँ, वो है मेरा ये वाला हील्स। हाँ, इसका तो मैंने भी बहुत बार देखा है। हाँ, तो ये वाला हील्स में पता है क्यों? क्योंकि इसका जो हील है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा है एज यूजुअल, और ये थोड़ा सा ना मतलब बहुत चमक धमक वाला है, शादी वाला ये फीलिंग आपको देगा। तो अब लाइक बेसिकली क्या
मैं जब भी कहीं शादी में जाती हूँ तो मैं फ्लोर लेंथ ड्रेस पहन करके जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी हील्स तो दिखते नहीं है, लेकिन मुझे हाई हील्स चाहिए होता है। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है, हाई हील्स के साथ में ये कंफर्टेबल भी है, तो इसलिए जब मैं इसको पहनती हूँ तो मुझे उतना कुछ फील नहीं होता है कि मैंने हील्स पहन रखे हैं बहुत हाई वाला। इसलिए मैं इसको ईजिली आराम से कैरी कर लेती हूँ। और मेरे फ्रॉक के अंदर रहता है भाई, तो दिखता तो है नहीं। अब जो मेरे आसपास वाले लोग हैं उन्हें तो दिख जाता है, बट और किसी को दिखता नहीं है। इसलिए इसको मैं सबसे ज्यादा शादियों में और ऐसे इवेंट्स वगैरह में कैरी की हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ना सबके लिए, देखिए सबके लाइफ में ना होता है, जब हम लोग ऐसा होता है कि एक चप्पल हम लोग दिख गया तो वही हर शादी में पहन के जाते हैं और बाकी सारे चप्पल को भूल जाते हैं। जब हम लोग सबको एक जगह करते हैं ना साफ करने के लिए, देखने के लिए कि कितना, तो अब पता चलता है कि हाँ ये भी तो था मेरे पास, तो वो वाला कौन सा चप्पल है जिसका भूल गई, लेकिन आपको पता चला बाद में कि है, यानी अभी पता चला। यार देखो भूलने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वो वाले ब्लैक हील्स को भूली पड़ी हूँ जो उधर सबसे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इसका भी हील्स काफी अच्छा खासा है एज यू कैन सी। और उसके अलावा भी मैं मतलब कुछ इसको भी मैं मतलब भूली पड़ी हूँ। वैसे इसको मैं बहुत ज़्यादा पहन ली हूँ इसलिए भूलने का है कि ये भी है। और हाँ एक और इसको मैं परचेज की थी, बट इसे मैं कभी पहनी नहीं हूँ। तो ये न्यू है अभी, मतलब उसको मैं कभी पहनी ही नहीं हूँ और मुझे लगता भी नहीं कि मैं कभी इसको पहनूँ, क्योंकि इसका हील ना बहुत ज़्यादा पतला है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको पहनूंगी तो थोड़ा सा मैं गिर सकती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का डर रहता है। और इसमें से ऐसे ऐसे भी हील्स है जिसको मैं अभी तक एक बार भी नहीं पहनी हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपका फेवरेट वाला। ऐसे मेरा फेवरेट हाई रेटिंग, मेरा फेवरेट वाला तो वैसे सब है, क्योंकि यार मैंने सबको जा जा करके बहुत ही पसंद कर करके खरीदे हैं। बट अगर मैं वन पीस पहनती हूँ तो उस पर मैं अपना ये वाला हील्स पहनती हूँ। और अगर वन पीस में मैं कुछ ऐसा फुल ऑन अगर ब्लैक आउटफिट पहनती हूँ और अगर मुझे हील्स में कुछ कलर चाहिए तो मैं उस टाइम पे ये वाला पहनती हूँ। और ये बहुत लाइट वेट है, हील्स भी बहुत मस्त वेलवेट का है। हाँ ये मतलब इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लासी है, बहुत बहुत प्यारा। और इसको सूट वगैरह में भी लाइक प्लेन सूट आपने पहन लिया कुछ भी, मतलब बहुत ऑफ सा कलर पहना है तो उस पर ये वाइब्रेंट रेड पहन लो तो बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है। तो अब हाई रेटिंग वाला तो पूछ लिया, और ऐसा भी कोई के जैसे कि आपको थोड़ा सबसे थोड़ा कम पसंद हो, ऐसा कोई थोड़ा कम। हाँ तो मेरा ये वाला है जो सैंडल है ये मुझे थोड़ा कम पसंद है। वैसे ये मेरा न्यू ही है तो इसका लुक देखो कैसा है। तो फुल ऑन मतलब ये थोड़ा सा ना मोटा सोल वाला है जैसा ये आपको दिख रहा होगा, और आगे से लुक मतलब थोड़ा सा अच्छा है। आप जीन्स वगैरह पे इसको पहन सकते हो या फिर ट्रेडिशनल वेयर पे भी आप इसे पहन, जैसे कि मार्केट जाए तो उसमें भी पहन सकते हो, उसे भी पहन सकते हो। लेकिन मुझे इसमें इसका बुराई ये लगा ना कि जब इसमें पहन के चलते तो इससे आवाज बहुत आती है खट 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 की, और बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा ना ये उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं उसको बस एक बार ही अभी तक पहनी हूँ और उसके बाद मैं फिर इसको नहीं पहनी। ओके तो ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अतर क्वेश्चन है जो अतरंगी, और वो ये तो पक्का गारंटी 100% लोग के साथ हुआ ही हुआ होगा ये हादसा। जब हम लोग न्यू चप्पल लेते हैं ना तो हमारे पैर काट देता है ना वो फोला टाइप का हो जाता तो है। तो वो कौन सा है मेरा? हाँ सबसे पहले एकदम जो भयानक वाला काटा था ना, जिसको देख के आपको गुस्सा आया था दिल के फेंक दे, ये वाला है वो हील्स। जब मैं ना इसको, वैसे ये कपड़े का है तो मैं दुकान वाले से पूछी भी थी इसको खरीदते टाइम, ये जूती मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, ऐसे देख सकते हो आप लोग भी थोड़ा सा ग्रीन कलर में है, ग्रीन टोन में है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। तो मैं उससे पूछी थी कि पहनते टाइम यहाँ से कट नहीं होगा ना, पैर में कट नहीं ना लगेगा? तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं लगेगा, और मुझे काफ़ी दूर जाना था तो उस दिन मैं डिसाइड की इसको पहन के जाने का, तो जाने को तो मैं भाई साहब बहुत दूर चली गई, लेकिन आधे टाइम क्या हुआ कि मुझे ऑटो मिल नहीं रहा था, तो मतलब मैं थोड़ा पैदल चल रही थी और ये मुझे इतना हर्ट कर रहा था, इतना हर्ट कर रहा था कि फाइनली एंड लास्टली मुझे बैंडेज लेकर के अपने पैर में लगाना पड़ा, तब जा करके मैं इसको पहन करके थोड़ा दूर चल पाई। जब घर आई तो मैं इसे उतार के फेंकी, मैं बोली कि आज के बाद मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो ये सेटिंग हुआ था मेरे साथ, मतलब उस टाइम पे ना मुझे ये बहुत खटक गया था यार कि मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है कि पैर कट जाता है। वैसे मेरा पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बेसिकली दुकान वाले बोलते हैं कि आप मोज़ा पहन कर पहन लो, लेकिन मोज़ा पहनने के बाद भी क्या होता है कि स्लिप करने लग जाता है पैर, और गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा हर्ट किया था, बट उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप वैसलीन लगा लो यहाँ पे। बाद में दुकान वाले ने मुझे बताया कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हील्स पे हाँ यहाँ वैसलीन लगा लो, और अपने पैर पे भी यहाँ पे वैसलीन लगा लो जहाँ पे कट हो जाता है, उसके बाद फिर कट नहीं लगेगा। अच्छा है क्या, सब यूज कर लेना,
होता है। मेरी अम्मी, मैं और मेरी फ्रेंड लोग हम लोग जू गए थे घूमने, तो उस टाइम पे मैं शायद ये वाला हील्स पहन करके गई थी। तो वैसे इसका ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन आप लोग सब जानते हो कि जू में कितना ज्यादा चलना पड़ता है। और लास्टली मेरे पैर में इतना दर्द शुरू हो गया, यहाँ से ये कट रहा था, ये चीज मैं उंगली को कट कट कर रहा था। तो उसके बाद मैं क्या की, मैं इसे उतारी, मैंने अपनी इसको हाथ में टांगा और फिर मैं पैदल चलना शुरू कर गई। और ये चीज़ मैंने बहुत बार किया, मुझे कोई शर्म फील नहीं होता है। मेरे घर के साइड में ऑब्वियस ही बात है यार, हर जगह पीच वाला रोड बना हुआ है, तो अगर मुझे कोई भी सैंडल हर्ट करता है तो मैं उसे उतार के अपने हाथ में ले लेती हूँ और मैं पैदल चलना शुरू कर देती हूँ ऐसा ही, मतलब बिना चप्पल के। यार क्या हो गया अगर इंसान कुछ टाइम बिना चप्पल के चल लिया, तो कौन सा मतलब जिंदगी उजड़ जाएगा हमारा। कंफर्टेबल सबसे पहले होना चाहिए कि इंसान कंफर्ट फील कर रहा है। हाँ भाई साहब, आई एम कंफर्टेबल। बेइज्जती की सोचो मत, नहीं तो मिस्टर बीन तो कुछ करता ही नहीं बेचारा। क्या ही सोचना, बेइज्जती का क्या ही सोचना, जब मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ तो बेइज्जती का सोच के क्या करूंगी। हाँ करेक्ट, ओके। तो याश्वन आपी, यहाँ पे शूज में तो दो, एक ये पिंक वाला और एक उधर है स्किन कलर का, वो दोनों शूज दिख रहा है। तो इसका क्या मान रहा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही शूज है? देखो यार, शूज और स्निकर्स का मुझे उतना कुछ मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा वही पहनूं। हाँ, अच्छा। शॉक वगैरह नहीं है, बट मैं जब जिम स्टार्ट की थी ना, तो जिम के टाइम पे मुझे एक शूज चाहिए थे, तो उस टाइम पे मैं ये वाला शूज परचेज की थी, जिसको कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिम के ही बेसिस पे इस्तेमाल किया करती थी। और मैंने जिम भी मतलब, एक तो बॉडी हमारा इतना लेजी हो गया यार कि 15-20 दिन से ज्यादा मैं जिम कर नहीं पाई, मैं को लास्टली छोड़ना पड़ा जिम, क्योंकि मुझे टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसको मैं बेसिकली जिम के टाइम पे ही यूज की हूँ, और जिम के बाद फिर मैं हल्का फुल्का देखी कि यार अब तो मतलब लोग स्निकर्स पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं स्निकर्स पहनूंगी। और जब मैं इसको पहनना शुरू की जीन्स के नीचे, तो मतलब बहुत कंफर्टेबल फील हुआ मुझे, आराम से कितनी भी स्पीड में आप चल लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये वाला मैं खरीदी हूँ। और दूसरा जो ये वाला शूज़ आप लोग को दिख रहा है, ये एकदम अभी न्यू है और ये ब्रांडेड शूज़ है, और ये मेरा पूरा शूज़ और हील्स कलेक्शन में सबसे ज़्यादा महंगा वाला शूज़ है ये। और मतलब ये ना मेरे को ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा खासा महंगा प्राइस में, 4,500 का मेरा ये वाला शूज़ है। और ये देख सकते हो, ये पूरा नया है, मैंने अभी तक इसे ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसको मैं ट्राई की हूँ। और इसको मैं ना इसीलिए ट्राई की हूँ क्योंकि मेरे को इसको ट्राई करना था, मेरे ऊपर थोड़ा सा ना स्निकर्स का भूत सवार हो गया था, इसलिए मैं बोली कि नहीं भाई साहब, एक तो ब्रांडेड स्निकर्स रखना ही रखना है। और बेसिकली मैं हील्स में बहुत हाई रेंज में मैं नहीं जाती हूँ, हाँ 1500-2000 तक चली जाती हूँ, उससे ज़्यादा हाई रेंज में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं एक हील्स को ना ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन सकती हूँ, और इसीलिए कितना ही पहनूंगी हील्स तो थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। हाँ, इसीलिए मैं मतलब बहुत ज्यादा हाई रेंज में नहीं जाती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने ये वाला भी अपने हील्स खरीदे हैं, इसको देखो, इसका लुक कितना ज्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा है इसका लुक है, और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये, क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल है यार। इसके अंदर में जो पैर डालोगे बहुत कुशनी वाला फील होगा, और पीछे में कुछ ऐसा नहीं है कि आपका पैर काट। अच्छा बताइए, बारिश के लिए भी सही है? पता नहीं बारिश में जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा नहीं मुझे, मेरे शायद लगता है कि खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएगा आराम से, पर अपना पैर तो बचा रहेगा ना। बहुत बहुत सही है ये वाला हील्स, मुझे बहुत पसंद आया था। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ईद वाला मतलब सैंडल या जूता कौन सा है? मेरे ईद में इस बार मैं दो हील्स परचेज की हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये वाला है, क्योंकि मेरा ड्रेस इसी कलर का था। हाँ। और इसको मैंने एक दो बार पहन भी ली हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे गंदा दिखता होगा, अभी तो लाइट दिख रहा है इसका कलर। हाँ। बहुत, तो ये ना मतलब बहुत बहुत प्यारा सा मुझे लगा था, पीच कलर में है और ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला इसका हील्स है, तो ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैं इसको ली थी। और दूसरा मैं ली हूँ अपना ये वाला बूट, जो कि मतलब मेरा नजर पड़ गया था, और मैं बोली कि भाई साहब बूट तो है नहीं, तो एक ट्राई कर लेते हैं लेकर के, तो एक मैं ये बूट ले ली हूँ। इधर में पूरा नग लगा हुआ है, ये सामने में आपको लेस दे रहा है, और इस साइड में चेन भी दे रहा है, तो ये तीन बेनिफिट मुझे दिखा। और मेरा साइज देखो कितना छोटा है यार, और मैं बता रही हूँ, मेरे को ना 5 नंबर के ही शूज आते हैं, जैसे उज़्मा को आता है वैसे ही मेरे को भी आते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हेवी बहुत बड़ा मेरा पैर है, नहीं, बहुत नॉर्मल सा, बहुत ठीक है, तो एक्सचेंज कर लीजिएगा मेरे साथ। पैर नहीं, मैं नहीं एक्सचेंज करूंगी, क्योंकि मेरे पास है सेम बूट। सेम नहीं है तुम्हारा ये वाला ना? नी के तक है बस। हाँ। डिजाइन तो सेम है ना, तुम
मेरा 6 है। डिजाइन सेम है, मेरा ज्यादा 6 है और मैं नहीं दूंगी। अच्छा तो हाँ, ये दो मैं इस बार, ऐसे दो लेने का इरादा नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली किसी ओकेशन पे मैं खरीदती हूँ, मैं जब जाती हूँ कुछ भी लेना हो तो मेरा जान पहचान का एक दुकान है पटना मार्केट में, तो भैया मैं बोलती हूँ उनको, उनके ही यहाँ से बेसिकली सारे सैंडल्स लेती थी, तो जान पहचान हो गया। तो मैं मतलब जब कभी पटना मार्केट जाती हूँ उनकी दुकान में एक बार घूम लेती हूँ, विजिट कर लेती हूँ कि कुछ नया आया हो, कुछ नया आया हो, और कुछ भी अगर मुझे पसंद आता है तो मैं उसको ले ही लेती हूँ। और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में वो मुझे देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा लेस कर देते हैं वो मेरे लिए, तो इस चीज़ का मैं अच्छे से फ़ायदा उठाती हूँ जब जाती हूँ। जब भी मुझे कुछ भी अच्छा लग जाता हो तो मैं वो ले ही लेती हूँ। और बेसिकली मेरे जितने सारे हील्स हैं ना, वो सारे उनके ही दुकान के हैं। एक ये भी देखो, पिस्ता कलर का ये वाला हील्स है, इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है, तो ये भी मैं उन्हीं के स्टोर से ली थी। ये भी उन्हीं के स्टोर का है, 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 ये भी, और ये तो मैं ऑनलाइन मंगाई थी, ये भी उन्हीं के स्टोर का है, ये भी उन्हीं के स्टोर का है। मतलब बेसिकली मेरे पास ना ज़्यादातर उन्हीं के स्टोर के शूज़ हैं, हील्स हैं। और अभी कुछ दिन पहले ना मैं अपना 5-6 स्लीपर्स और सैंडल्स को हटाई हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ यूज़ वाले हो गए थे, मतलब कि किसी का कुछ डैमेजेस वगैरह आ गए थे। तो मैं सोची कि आज आप लोग साथ अपना हील्स का कलेक्शन शेयर करना चाहिए। वैसे भी आजकल यूट्यूब पे बने रहना बहुत ही मुश्किल और बहुत ज़्यादा टफ वाला बात है, सो मैं सोची कि कुछ अलग आप लोग साथ शेयर करते हैं कि आप लोग का भी मन लग जाए, जिसके लिए मैं बहुत ही तपती धूप में, बहुत ही अजीब धूप में ना, बहुत अजीब से मौसम में छत पे आई हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग साथ शेयर करने के लिए कि चलो भाई ठीक है, कुछ मेमोरी मेरे लिए भी हो जाएगा और आप लोगों को भी शायद देख बैठे पसंद है। पैर जल रहा है, सच बता रही हूँ, यहाँ मैं बैठी हूँ ना मेरा बम जल रहा है यार, मेरा पैर जल मैं जिस तरीके से बैठी पड़ी हूँ ना, क्या क्या जल रहे हैं आप लोग साथ नहीं इससे आगे मत बढ़िए। बस हो गया, राम कथा मेरे कैमरा में बहुत ज्यादा हो गया। सो गाइस, नेटवर्क कनेक्शन इशू। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये मेरा शूज कलेक्शन वीडियो पसंद आया हो, कुछ अलग मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और या अपने प्यारे प्यारे लविंग कमेंट्स बताइए, और आप लोग ये बताइए कि आप लोग को कौन सा वाला हील्स पसंद आया, और इंशाल्लाह आगे चल करके मैं और भी ढेर सारे शूज के और हील्स के कलेक्शन करूंगी। अच्छा, लाइक का कोई टारगेट रखना है आपको? नहीं, लाइक का कोई टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ यार मैं इसके आगे, लेकिन तब भी आप लोग दिल खोल के लाइक करो। और मेरा तो मतलब ये है कि मैं आगे चल, मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 100+ शूज और हील्स कलेक्शंस मैं करूँ। वाओ, और मुझे हाई आधा मेरे को दे दीजिए। और मुझे हाई हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरा रूम आप लोगों ने देखा होगा कि कितना छोटा है, बट बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारा, मैंने उसे करके रखा हुआ है अरेंज, तो उसमें मेरे को जितना जगह मिलता है मैं उसमें पूरा अपने हील्स को भर चुकी हूँ। अब एक भी हील्स रखने का जगह नहीं है, तो इससे मैं अभी और खरीद नहीं रही हूँ, क्योंकि यार मतलब जब जगह नहीं होता तो समझ में नहीं आता है कहाँ रखें। सो अभी मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जिससे मैं हील्स का अपना कलेक्शन एक अच्छी तरीके से कर सकूँ, तो देखती हूँ और क्या क्या होता है, जो भी होगा मैं आगे आप लोग को अपडेट करूंगी, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द 100+ शूज और हील्स कलेक्शन इंशाल्लाह मुझे हाई हील्स, और इसमें से कुछ मेरे को भी मिलेगा। हाँ ठीक है, हम दोनों के जब पैर सेम रहेगा तुम पहन लेना, जब तुम्हें मन होगा तो बगल में ही तो रहती हो, जब तुम्हें कहीं जाना हो तो पहन लेना आ करके। अच्छा, कितना अच्छा है ना। अच्छा, सो गाइज, बस आज के लिए इतना काफी था, और नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी, आपको मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।